सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन को दबाए लेटेस्ट जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। आज मैं बात करने वाला हूं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जीएसटी या टीसी रिफंड नहीं मिलेगा इन सबका। हाँ जी दोस्तों, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ऐसे इनपुट है जिसका आपको आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा, तो इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक, एज लो टू डू एज लो टू डिस्कस। बट बिफोर वी बिगन, वी स्टार्ट पेन ड्राइव कोर्सेज। सो दोस्तों, आप इन सभी कोर्सेज की तैयारी घर बैठे ही कर सकते हैं, तो इस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर इस वेबसाइट पे जाके विजिट कीजिए। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ रिफंड के बारे में। सबसे पहले हम इसके टाइम लिमिट को समझते हैं। एनी पर्सन क्लेमिंग रिफंड ऑफ एनी टैक्स एंड इंटरेस्ट इफ एनी पेड ऑन सच टैक्स और एनी अदर अमाउंट पेड बाय हिम मेक एन एप्लीकेशन बिफोर द एक्सपायरिंग ऑफ टू ईयर फ्रॉम द रिलेवेंट डेट इन सच फॉर्म एंड सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सो दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि कोई भी पर्सन रिफंड के लिए क्लेम कर सकता है जो उसने टैक्स या इंटरेस्ट पे किया है। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन फाइल करनी होगी उसे बिफोर द एक्सपायरिंग ऑफ टू ईयर। इट मीन्स अगर मैं बात करूँ तो जुलाई 17 की जिसने रिटर्न फाइल कर दी है, उसके पास आई टी सी पड़ा हुआ है, उसके पास उसने टैक्स ज़्यादा पे कर दिया, इंटरेस्ट ज़्यादा पे कर दिया, तो विद इन टू ईयर के अंदर वो रिफंड क्लेम कर सकता है। अगर जुलाई 17 की बात करूँ तो जुलाई 19 तक उसको रिफंड क्लेम करना होगा। जुलाई 19 का टाइम खत्म हो गया। अगर उसके पास अगस्त का पड़ा है तो अगस्त अभी चल रहा है, अगस्त के अंदर वो क्लेम कर सकता है अगस्त 19 का, अगर अगस्त 17 का उसके पास आईटीसी पड़ा हुआ है तो। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह से हम रिफंड को क्लेम करेंगे और कौन कौन सी रिफंड आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सेक्शन 54 का सबसेक्शन 3 क्लोज सेकंड इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। तो ये है क्लोज सेकंड, वेयर द क्रेडिट हैज एक्युमुलेटेड ऑन अकाउंट ऑफ रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट बीइंग हायर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट सप्लाई। सो दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट कहना चाह रही है जब आपका क्रेडिट, आपका जब आईटीसी एक्युमुलेटेड इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे, किसके वजह से? इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के वजह से। इट मीन्स जब आपका इनपुट का रेट हायर होता है और आउटपुट का रेट कम होता है उसके वजह से। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपकी जो परचेज है वो है 28% वाली, ठीक है दोस्तों, और जो आपकी सेल है वो है आपकी 18% वाली। ठीक है, तो इसके वजह से, क्योंकि जो आपकी सेल का रेट है वो 18% है और परचेज का रेट 28% है, तो 10% का डिफरेंस आ गया। इसलिए हमेशा आपके पास आईटीसी लेजर के अंदर आपका आईटीसी इकट्ठा होता रहेगा इन्वर्टर टैक्स स्ट्रक्चर के कारण। लेकिन कुछ सप्लाई को छोड़ के, कौन सी सप्लाई? अदर देन रिलेटेड और फुल्ली एग्जेम्प्ट सप्लाई, इन सप्लाई को छोड़ के और कुछ सप्लाई और छोड़ के, एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। सो दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसी सप्लाई है जिनको आपको इसके अंदर काउंट नहीं करेंगे इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में, जैसे नील रेटेड सप्लाई, फुल्ली एग्जाम्ड सप्लाई, ये आपकी काउंट नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, दूसरा, यहाँ पे कुछ ऐसी सप्लाई है गुड्स और सर्विसेज की, उन सबको छोड़ के जो गवर्नमेंट नोटिफाइड कर रही है नोटिफिकेशन के थ्रू काउंसिल के रिकमेंडेशन पे। ठीक है दोस्तों, उन सप्लाइयों को छोड़ के। अब दोस्तों, अब हम इस पॉइंट पर थोड़ा डीपली समझते हैं। पहले वाली लाइन में गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है, कह रही है वेयर द क्रेडिट हैज एक्युमुलेटेड ऑन अकाउंट ऑफ रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट। देखो दोस्तों, ध्यान रखना, यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कहा, इनपुट हायर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट सप्लाई। ठीक है दोस्तों, आउटपुट सप्लाई लगभग सभी समझ गए होंगे, यहाँ पे इनपुट का मतलब समझेंगे। इनपुट का मतलब क्या है यहाँ पे, तो एज पर सेक्शन 2 का सबसेक्शन 59 के बारे में समझते हैं, जो इनपुट के बारे में बोलता है, इनपुट की डेफिनेशन के बारे में बोलता है। इनपुट मीन्स एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स यूज और इंटेंड टू बी यूज बाय द सप्लायर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि इनपुट का मतलब हो गया कोई भी गुड्स। ठीक है दोस्तों, अदर देन कैपिटल गुड्स जिसका यूज किया जा रहा है सप्लायर के द्वारा बिजनेस में, इनपुट का मतलब हो गया एनी गुड्स, कौन सी गुड्स को छोड़ के, कैपिटल गुड्स को छोड़ के। इसका मतलब इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर केवल जो हम काउंट करेंगे गुड्स को ही काउंट करेंगे। अगर आपके पास इनपुट है सर्विस का या कैपिटल गुड्स का तो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको कैपिटल का आईटीसी आपके पास है इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर, तो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर जब आप क्लेम करेंगे, मैंने आपको बताया है कैसे रिफंड क्लेम करना है इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में, कैसे एप्लीकेशन फाइल करनी है, स्टेटमेंट अपलोड करना है। तो जब आप स्टेटमेंट अपलोड कर रहे होंगे और जब वहाँ पे रिफंड की कैलकुलेशन करेंगे तो उस समय आप कैपिटल गुड्स को नहीं लेंगे, क्योंकि कैपिटल गुड्स आपका उस समय काउंट नहीं होगा। कोई भी आपने कैपिटल गुड्स परचेज करी है उसके ऊपर आईटीसी है उसका नहीं मिलेगा। दूसरा, इनपुट सर्विस, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर क्या बोलता है यहाँ पे समझना, इन्वर्टर टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर ये बोलता है कि
इनपुट का रेट ज्यादा है आउटपुट के रेट से, देखना, रेट ऑफ ऑन इनपुट बीइंग हायर देन रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट सप्लाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, इनपुट का मतलब हो गया यहाँ पे गुड्स से रिलेटेड है, इनपुट सर्विस की डेफिनेशन हो गई, मींस एनी सर्विस यूज और इंटेंड टू बी यूज बाय द सप्लायर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो दोस्तों यहाँ पे इनपुट सर्विस का मतलब हो गया कोई भी सर्विस जिसका सप्लायर यूज कर रहा है बिजनेस के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो इनपुट सर्विस को छोड़ के इनपुट सर्विस का भी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे इन्वर्टर टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर, और ना ही आप क्लेम कर पाएंगे कैपिटल गुड्स का। इट मीन्स जब आप यहाँ पे रिफंड क्लेम करते हैं इन्वर्टर टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर, तो जो स्टेटमेंट वन अपलोड करते हैं उसके अंदर आप कैपिटल गुड्स के इन्वॉइसेस को मत डालना, और ना ही आप इनपुट सर्विस के इन्वॉइसेस को डालना, ठीक है दोस्तों। और जब आप रिफंड के लिए कॉपी करेंगे इन्वॉइसेस की, तो आप ना ही कैपिटल गुड्स की इन्वॉइसेस की कॉपी करना और ना ही इनपुट सर्विस के इन्वॉइसेस को कॉपी करना। इट मीन जो भी सर्विस आपने रिसीव करी है, या मशीनरी वगैरह या प्लांट एंड मशीनरी, जो भी कैपिटल गुड्स आपने खरीदी है, उसका आपको यहाँ पर रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पे इन्वर्टर टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर केवल इनपुट की बात की गई है। तो जो इनपुट आपने रिसीव किया है, जो आपने केवल गुड्स के ऊपर ITC लिया है, उसका आपको रिफंड मिल पाएगा, कैपिटल गुड्स के ऊपर या इनपुट सर्विस के ऊपर जो आपने ITC लिया है उसका रिफंड नहीं मिल पाएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, मन में जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक करते हैं मुझे खुशी मिलती है और मैं इस तरह की वीडियो आपके सामने लाता हूँ। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।